हेलो दोस्तों, आप सभी का आज फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनिसुराज पर। तो मेरा नाम है निसुराज और मैं आपके लिए आज लाया हूँ टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन, तर्क शक्ति से संबंधित हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे मेरी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि महीने का पाँचवा दिन सोमवार है तो महीने का 23वां दिन कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए है शनिवार, बी है शुक्रवार, सी है रविवार और डी है बृहस्पतिवार। तो शुरू होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्रवार। शुक्रवार ऐसे होगा कि अगर महीने का पाँचवा दिन दिया गया है सोमवार, तो महीने का पाँचवा दिन सोमवार है तो इसका पहला दिन कौन सा होगा? पहला दिन होगा इसका बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार से अगर हम 23वां दिन गिनेंगे तो होगा शुक्रवार। तो बढ़ते हैं हम अगर अपने, तो इसका राइट आंसर हो गया है ऑप्शन बी, शुक्रवार। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन सेकंड है, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? जो आपको ये मतलब त्रिभुज क्या ये चित्र दिख रहा है, इसमें पूछा गया है इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर भी करके भी त्रिभुज की संख्या गिन सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है 8, बी है, दूसरा ऑप्शन है 9 और तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 11। तो इस जो आकृति है आपको उसमें कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? तो आपका टाइम शुरू होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 10 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है, 0 और 22 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इसका ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो आपका टाइम शुरू होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8। तो क्योंकि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 0 और 1 से ना शुरू होकर बल्कि 2 से शुरू होती हैं। तो 2 अभाज्य संख्या होती है, 3 होती है और 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है। तो ये टोटल मिला के हुए जाए 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 8। तो इसका होगा सी, 8 इसका राइट आंसर है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सवाल सही है? ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया कौन सी क्वेश्चन सही है। ऑप्शन ए है 300 + 54 = 30 + 54 और बी है 300 + 54 = 340 + 5। ऑप्शन सी है 300 + 54 = 305 + 4। ऑप्शन डी है 300 + 54 = 304 + 50। तो इसमें पूछा गया है कि जो 300 + 54 है तो 354 हो गया टोटल, तो इनमें से कौन सा बराबर में बिल्कुल सही है? तो पहला वाला तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं है। तो आपका टाइम शुरू होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 300 + 54। 300 + 54 = 354 होगा और 304 + 50 = 354 होगा। तो ये दोनों इक्वल इक्वल हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे लगे आप सभी को ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के मैथ क्वेश्चन? अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।